तो आज हम लोग आए हैं फाइनली खजुआ बाग बादशाह किला जिसे बोलते हैं, जिसे औरंगजेब का किला भी बोलते हैं। आज हम लोग यहाँ पर घूमने आए हैं, ये इसका मेन गेट है, यहाँ से अंदर एंट्री करेंगे। तो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं। ये बीच का हिस्सा है, जो किला है उसके बीच का हिस्सा ये यहाँ पर है। ये साइड तो थोड़ा सा खूबसूरत बनाया हुआ है घूमने फिरने के लिए। साफ़ सफ़ाई भी इधर बहुत अच्छी है, यहाँ पर साफ़ सफ़ाई वगैरह बहुत अच्छी किया है। ये पूरा किला है, ये यहाँ पर ये जो टैंक बना हुआ है तो इस पर मैंने पूछा था, तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछा था, उन्होंने बोला था ये नहाने के लिए बनाए गए थे। पहले के जो लोग थे उनको नहाने के लिए बनाए गए थे ये सारे ऐसे टैंक। और ये छतों पर पूरी दरार पड़ी हुई है, बाकी जो फ़र्श का हिस्सा है, जो दीवारें हैं वो सब साफ़ सफ़ाई बहुत अच्छी है, साफ़ सफ़ाई किया हुआ है। और ये जो हिस्सा है ये पीछे का हिस्सा है, जो किले का पीछे का हिस्सा है ये वो है, काफ़ी दूर दूर तक इसकी बाउंड्री है। और किले का जो सामने का हिस्सा ये है, ये मेन हिस्सा है सामने का हिस्सा ये। और यहाँ पर कभी भी आओ तो कुछ रहते ही हैं घूमने फिरने वाले लोग, बहुत पब्लिक आती है यहाँ पे घूमने। ये सामने का मेन हिस्सा है, यहाँ पर देखो साफ़ सफ़ाई तो अच्छी लगी मुझे, साफ़ सफ़ाई बहुत अच्छी यहाँ पर किए हुए हैं, पूरा सब साफ़ रहता है, एकदम क्लीन रहता है इस हिस्से में जहाँ पर हम लोग अभी फ़िलहाल घूम रहे हैं। और एक टैंक ये नीचे बनाया गया हुआ है, ये भी नहाने के लिए ही यूज़ होता था। यहाँ पर ऐसे दो टैंक है, एक ऊपर है और एक ये नीचे है, जो नहाने के लिए यूज़ होता था। मैंने यहाँ तक यहाँ के लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि ये दोनों टैंक नहाने के लिए यूज़ होते थे उस टाइम में। और किले का जो मेन गेट है वो सामने, ये जो आपको दिख रहा है ये मेन गेट है किले का, जो मेन दरवाज़ा है ये सामने का हिस्सा। बाकी तो किले की बाउंड्री बहुत बड़ी है, बहुत दूर तक बाउंड्री है इसकी, बहुत बड़े एरिए में फैला हुआ है किला पूरा। ये नीचे का हिस्सा है, जो दूसरा टैंक बना हुआ था नीचे, अभी मैं नीचे आके दिखा रहा हूँ, ये तो ये नीचे का हिस्सा है, ये नीचे से देखने में ऐसा दिखता है पूरा, ये नीचे का हिस्सा है। और ये किले का पीछे का हिस्सा है, जो इस स्टार्टिंग में दिखा था ये पीछे का हिस्सा है पूरा, जो किले का पीछे का हिस्सा है। ये पीछे का हिस्सा पूरा जो आप देख रहे हो, ये सब पूरा पीछे का, ये दरवाज़ा जो दिख रहा है आपको, ये ऊपर जाने के लिए, किले के अंदर जाने के लिए, ये सब पूरा, ये वहाँ तक आप देख पा रहे हैं बाउंड्री पूरी। ये इधर का हिस्सा, ये पूरा पीछे का एरिया है यहाँ से, और ये सीढ़ी अंदर जाने के लिए, ये अभी हम लोग ऊपर आ गए किले में। जो किले का ये हिस्सा है इसमें साफ़ सफ़ाई बहुत अच्छी है। ये किले का जो दूसरा हिस्सा है इस साइड, इधर साफ़ सफ़ाई अच्छी की हुई है, गार्डन वगैरह, ये थोड़े झाड़ वाड़ लगाए छोटे छोटे, ये इधर साफ़ सफ़ाई है। और ये सीढ़ियाँ भी नीचे जाने के लिए हैं, जो किले से नीचे जाते हैं अपन, ये वो सीढ़ियाँ हैं, ये पूरा नीचे जाने के लिए, ये पूरा बाहर आने के लिए है, आप नीचे उतर सकते हो किले से, ये सीढ़ियाँ, ये हिस्सा। पूरे किले में ऐसे तीन गेट बने हुए हैं, ऐसे इसी तरीके से हम तीन बने हुए हैं पूरे किले में बाहर नीचे उतरने के लिए। और ये सामने के हिस्से में है, ये जो सामने दरवाज़ा दिख रहा है जिसमें चैनल लगा हुआ है, इस पर नीचे जा सकते हैं, सुरंग बहुत बड़ी इसके नीचे बनी हुई है, इसलिए यहाँ जाना मना है, बंद रहता है ये, हर टाइम बंद ही रहता है, इसलिए नीचे कोई जाता नहीं इस पर, और बहुत डरावना भी है नीचे, इसलिए यहाँ कोई नहीं जाता है।
और अभी तक हम लोग किले के दूसरे हिस्से पे थे उस साइड, और किले का ये हिस्से में इधर थोड़ा सा अभी कुछ नहीं है ऐसा, सब गंदगी पड़ी रहती है, घान पड़ा रहता है सब। शायद आने वाले टाइम में इधर भी कुछ काम हो, क्योंकि काम चल रहा है अभी यहाँ पे, तो इसलिए आने वाले टाइम में कुछ काम होगा यहाँ पे। और ये जो ढेर सारे टैंक बने हुए हैं, ये टैंक बने हुए हैं, ऐसे टैंक बहुत सारे यहाँ पर बने हुए हैं। तो जब मैंने यहाँ किसी से पूछा, यहाँ के लोगों से, तो उन्होंने बताया कि ऐसे टैंक बनाए जाते थे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे झाड़ लगाए जाते थे पौधे, तो ये नालियाँ जो बनी हुई हैं तो इनके थ्रू उन झाड़ों पर पानी जाता था। ये जो नालियाँ देख देख पा रहे हो आप, ये सारी नालियाँ जो बनी हुई हैं, तो यहाँ से वो नीचे जो टैंक बने हुए हैं सामने जो आप देख पा रहे हो, उनमें पानी जाता था। फिर वहाँ से जो पौधे होते थे, उन सब पौधों में पानी जाता था। तो पहले की ये टेक्नोलॉजी है, पहले ये सब इस तरह पानी पौधों पे पहुँचाते थे लोग। और एक टैंक, वो सामने भी टैंक बने हुए हैं, वो सामने बने हुए, इधर बने हुए हैं, और ये सब टैंक ऐसे बहुत सारे टैंक बने हुए हैं जिनमें पानी रखा जाता था पौधों के लिए, पौधों पे पानी पहुंचाते थे। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इस हिस्से को भी अच्छा बनाएंगे, क्योंकि उधर तो काम अच्छा हो गया, इधर भी काम होगा ही, काम चालू है जिस हिसाब से। और यहाँ पर लगा हुआ है बोर्ड है, यहाँ पर जो यहाँ के बारे में, इस किले के बारे में जानकारी दी गई है कि कब इसका निर्माण हुआ था, कब और कितने दिन औरंगजेब बादशाह यहाँ पर रहे थे, ये सब पूरी डिटेल्स इसमें दी गई है। और यहाँ पर हम लोग घूमने आए थे, मज़ा आया घूमने में यहाँ पर। यहाँ पर रात में तो बोलते हैं बहुत डरावना लगता है, पर दिन में तो यहाँ पर बहुत मज़ा आया घूमने में, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी मज़ा आया होगा।